पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन एक्सीडेंट के मामले देखने को मिलते हैं। कारण तीखे मोड़ हो या रास्तों का आतंक, लेकिन अब नेशनल हाईवे ने पांवटा साहब से गुम्मा तक रोड टू लर्न बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए कोफ्टा में मीटिंग का आयोजन किया गया। क्षेत्र के सभी लोगों को इसमें बुलाया गया था ताकि रोड की कटिंग होते समय यदि किसी के घर कोई भूमि को नुकसान हो तो उसके बारे में बातचीत की जा सके। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि अब हमारे सड़कों का विकास हो रहा है। बैठक में नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता बीके अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को बताया कि जल्द ही पांवटा से गुम्मा NH-707 का काम शुरू होने वाला है। अग्रवाल ने सभी महिलाओं एवं ग्रामीणों से सहयोग की अपील की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। अग्रवाल ने बताया कि ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसके तहत पांवटा शिलाई कोफ्टा गुम्मा 707 NH रोड बनने जा रहा है। इस बारे में कोफ्टा में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लोगों से बातचीत की गई कि इस रोड में किस तरह काम किया जाएगा और लोगों के क्या सुझाव रहेंगे। बैठक में सोशल सर्वे भी किया गया ताकि लोग अपने विचार हमारे सामने रख सकें और हम लोगों को सही तरीके से समझा सकें कि कहां रोड डबल लेन होने से लोगों के भविष्य सुधरेंगे। वहीं अभी इस रोड से जो परेशानियां होती हैं उसका प्रमुख कारण टाइट रोड होना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोड चौड़ा होने से सेब और टमाटर को भी फायदा मिलेगा, जिससे वहां से गुजरने वाली गाड़ियां रुकेंगी नहीं। आज बैठक बुलाई गई थी, वो किस विषय में? ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से जो प्रोजेक्ट आ रहा है पांवटा शिलाई गुम्मा फेडस रोड, इसके बारे में पब्लिक कंसल्टेशन आज यहाँ रखी गई थी। लोगों को डिस्क्लोज़र किया गया है कि इस रोड के क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या चीज़ें हम करने जा रहे हैं, और उन लोगों के विचार विमर्श किए गए। सोशल सर्वे था, एनवायरमेंटल सर्वे था, ताकि लोग अपने विचार खुल के हमें बता सकें कि वो क्या चाहते हैं और हम उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अच्छा सर, ये रोड कितना चौड़ा होगा? ये रोड पांवटा से लेके तारूवाला तक पहला 1.5 किलोमीटर फोर लेनिंग होगी। पांवटा से स्तौन तक डबल लेन विद पेव्ड शोल्डर होगा, और स्तौन से बांदली तक डबल लेन होगा, और बांदली से फेडस तक इंटरमीडिएट लेन प्रोवाइड की जाएगी। इस रोड का भविष्य बड़ा सुधर जाएगा, क्योंकि देखते हुए ऐसा लगता है कि जो हम दिखते हैं, महसूस करते हैं कि सड़कों की विड्थ रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से गाड़ियाँ प्रॉपरली क्रॉस नहीं कर पाती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कर्व्स ब्लाइंड हैं, लोग आम जन को बड़ी दुविधा होती है, बड़ी दिक्कतें आती हैं बरसात के दिनों में, लोगों की कैश क्रॉप नहीं निकल पाती हैं, सेब का सीजन चलता है तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं, टमाटर सड़ जाता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए ताकि लोग अपनी उचित चीज़ों को, अपने माल को, अपनी सब्जियों को एक सही गंतव्य तक पहुंचा सकें, एमरजेंसी के टाइम में लोग पेशेंट्स को नीचे निकाल सकें, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस प्रोजेक्ट का बड़ा अति महत्व है। और ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में बन रहा है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के नाम से। इसमें सब चीज़ों को लोकली कंसिडर किया जाएगा, जो लोकल मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है मैक्सिमम यूजेज उसी का किया जाएगा। बैठक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ये प्रोजेक्ट आ गया है और इसके आने से लोगों को सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के मकान व दुकान रोड बनाते समय टूटते हैं तो वे सरकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस रोड से बहुत फायदा मिलेगा और क्षेत्र में आए दिन हो रहे एक्सीडेंट भी कम होंगे। चल रहा है, व्यापार मंडल चाहता है कि जो प्रोजेक्ट बनाए वो अच्छे से बने, और जो भी ये प्रोजेक्ट या सरकार का जो एक लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी NH हो या सड़कें चौड़ी हो ताकि विकास का कार्य अच्छे से चलें, तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। हम व्यापार करते हैं, मान को फोटा की बात करें तो सड़कें बनी तो है लेकिन सड़क सिर्फ नाम की है, बरसात आती है सड़कें बंद हो जाती है और लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब सरकार अगर सड़क चौड़ी होती है तो यहाँ विकास का रास्ता भी खुलेगा, और बोलते हैं कि सड़कें हमारी जीवन रेखा होती है, तो अगर सड़क चौड़ी बनती है तो विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों के जीवन यापन में भी प्रगति होगी। और अगर सड़क बनने के साथ अगर कोई हमें नुकसान होता है, क्योंकि बार बाजार है कोई टूटता है या कोई सड़क एक्वायर जमीन एक्वायर होती है विभाग की रोड, तो हम उसके लिए विभाग
वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि अब लग रहा है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, क्योंकि सड़कों के तंग हालात से वाहन चलाना अत्यंत मुश्किल हो गया था, जिसमें हमें अपने बच्चों और परिवार की चिंता सताती थी। साथ ही महिलाओं ने कहा कि जो हमारा NH रोड बनना तय हुआ है, उससे वे खुशी है कि अब किसानों को भी इससे फायदा होगा और आम नागरिकों को भी इसका फायदा मिलेगा। चल रही है अभी NH को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। इसके विषय में यही कहना चाहूंगी कि यहाँ के जनता के लिए ये बहुत अच्छा वो है भी, आगे हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है NH के आने से। जो हमारे यहाँ पे मतलब किसान है या कोई और सुविधाएं हैं और ज़्यादा हो जाएगी किसानों के लिए, यहाँ पे सुविधाएं हो जाएगी, वो अपना मतलब सामान जल्दी ले जा सकते हैं। जैसे बरसात में हमारे यहाँ पे रोड बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी कई दिनों तक गाड़ियाँ खड़ी रहती है या मतलब वो आगे नहीं भेज पाते हैं, तो उसके मतलब NH डेवलप होने से हमारे किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा होने वाला है।